नमस्ते दोस्तों, आज चलिए कुछ नया बनाते हैं और आज बनाएंगे हम बेसन की लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए ये देखिए इस कप के मेजर से एक कप बेसन और इसी कप के मेजर से हाफ कप चीनी और थोड़ा सा घी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं 4 टीस्पून ले रही हूँ, मैं बेसन डाल दूंगी। देखिए पहले मैं 1 कप बेसन डाल देती हूँ। अब इसको हमें लगातार चलाते जाना है। मैं इसको 1 कप बेसन से ही बना रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको घी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए देखने में लग रहा होगा कि घी कम लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड ही हो जाएगा, घी छोड़ देगा ये बेसन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर आ गया है, लेकिन अब हम इसको गैस तो बंद कर देंगे, लेकिन इसको फिर भी चलाते जाना है, नहीं तो बेसन हमारी जल भी सकती है। और इसको हम दूसरे प्लेट में लगा लेंगे, क्योंकि तवा तो हमारी गर्म है, तो इसमें अगर हम बंद भी कर देंगे और छोड़ देंगे तो भी ये बेसन जल जाएगा, इसलिए अब हम इसको दूसरे प्लेट में रख देते हैं और इसकी चाशनी बनाने चलते हैं। देखिए मैंने 1 कप बेसन की बनाए हैं, इसलिए मैं चीनी लूँगी, देखिए 1/2 कप, ठीक है, 1/2 कप चीनी से मेरा चाशनी बन जाएगी। और इसमें पानी मैं लूँगी 1/2 कप से भी थोड़ा, मतलब 1/2 कप से भी 1/2 के नीचे, मतलब ये चीनी को सिर्फ मुझे डिसॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। और उसमें मैं थोड़ा सा घी भी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, इसको पहले इसको उबालने दीजिए। देखिए चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है वो अभी थोड़ी सी मोटी हो गई है, चीनी पूरी डिसॉल्व हो गई है और चाशनी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। और अब हमें इसको कॉन्स्टेंटली चलाते जाना है। देखिए कितना झाग आ गया है इसमें, इसको हम अभी देखिए हमारी जो चाशनी है वो धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है। तो इस तरह से इसको बनाना है और हम इसे चलाते जाएंगे, मतलब चलाना हम बंद नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसको हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर बेसन के लड्डू में मिक्स कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो बेसन थी और जो हमने चीनी का रस का बनाया वो ये, तो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। इसमें अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है खाने में। तो चलिए हम इसे लड्डू के शेप दे देते हैं। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। तो इस तरह से मैं बाकी की भी बना लेती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू बनके तैयार हो गई है, और आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के पास ये कैसी बनी।